नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। सुशील कुमार की मुसीबतें लगता है थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब क्या नई मुसीबत सुशील कुमार के ऊपर आ गई है? ये सुनने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज खुलासा न्यूज की खबरें जरूर देखते रहिएगा। सुशील कुमार को अब पुलिस मतलब कि क्राइम ब्रांच, दिल्ली की क्राइम ब्रांच पकड़कर छत्रसाल स्टेडियम लेके आई है। वहां पे वो समझने की कोशिश कर रही है कि जो पहलवान सागर था उसको किस तरीके से इन लोगों ने मारा और पीटा है। और वहीं सूत्रों से ये भी पता लगा है कि क्राइम ब्रांच के पास पूरे पुख्ता सबूत हैं कि सुशील कुमार ने ही प्रिंस को बोला था कि तू ये वीडियो बना मेरी और इसको वायरल कर, जिससे कि मेरा दबदबा पता हो लोगों को और कोई भी हमसे इस किस्म का पंगा ना ले। दूसरी एक बड़ी खबर और आ रही है, सुशील कुमार जो थे वो एक सीनियर पद पे रेलवे के नियुक्त थे और ई स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी लगती है रेल अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और इसलिए ही सुशील कुमार की नौकरी लगी हुई थी रेलवे में और साथ में ओएसडी भी थे वो छत्रपाल स्टेडियम के। लेकिन रेलवे ने अब डिसाइड ये कर लिया है कि सुशील कुमार को सस्पेंड किया जाएगा इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि उन्होंने ना ही देश का नाम खराब किया है साथ में रेलवे का भी नाम खराब किया है। तो ऐसी ही खबरें मैं आपको देती रहूंगी, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।